एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो गाइस, अगर आपके पास 6 मंथ प्लस का बेबी है और अब आप उसको फर्स्ट फूड इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर रहे हो, आप उसको प्योरी वगैरह देना चाहते हो, एप्पल की या सीरियल्स, सेरेलैक वगैरह कुछ भी इस तरीके का प्योरी फॉर्म में देना चाहते हो, तो मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। वो है ये है ईजी स्क्वीजी बेबी फूड फीडर। सो बच्चों को खाना खिलाने का एक बहुत ही मेस फ्री तरीका जो है वो ये है। ये मैंने आरएफ के लिए भी यूज़ किया हुआ है। मैंने अपने किसी पुराने वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था, बट आज मैं इसका डिटेल रिव्यू करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। तो ये कुछ इस तरीके का आता है, आप देख सकते हैं ये सिलिकन की बॉटल जैसा बना हुआ है और यहाँ से ये देखिए इस तरीके से ये अलग हो जाता है। तो यहाँ से आपको अपना जो भी प्यूरी वगैरह आप बच्चों को देना चाहते हैं वो इसमें आप फीड कर लीजिए। कोई भी प्यूरी आप इसमें डाल सकते हो, कैरेट प्यूरी, एप्पल प्यूरी, बनाना प्यूरी, जो भी आप देना चाहते हो अदर देन मिल्क, मतलब थोड़ा सा थिक हो, वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। और ये देखिए सिलिकन का बना हुआ है और इस तरीके से दबाने से ये स्क्वीजी फॉर्म में हो जाता है। सो यहाँ से ये देखिए कैप लगा दिया आपने और यहाँ पर एक स्पून जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, रुकिए, सो यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छेद जैसा बना हुआ है जो कि बहुत ही छोटा सा है। ऐसा नहीं है कि एक बार में आपने स्क्वीज किया और भर के एक स्पून आया, क्योंकि छोटे बच्चे एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, स्पेशली जब आप इंट्रोड्यूस करते हो उनको, तो थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है। सो यहाँ पर है, आप एक बार दबाओगे तो इसमें हाफ स्पून जितना इसमें निकलेगा और आप डायरेक्टली बच्चे को एज अ स्पून इससे खिला सकते हो। इवन बच्चा खुद भी खाना चाहे, जैसे उसके लिए थोड़ा सा खाने का जो प्रोसेस है वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप उसको भी दे सकते हो कि इसमें भर दिया, उसने ऐसे दबाया, उसने देखा यहाँ निकला है और फिर वो खाने लगा। आरव ऐसा बहुत करता था कि वो यहाँ से दबा के और ऐसे निकाल के खाता था, मतलब उसको अच्छा लगता था। थोड़ा बच्चों का एक्सपीरियंस डिफरेंट रहता है तो वो और ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं और उनका फूड का टेस्ट भी डेवलप होता है और मेस फ्री रहता है बहुत ज़्यादा, इसमें कुछ गंदा नहीं होता। अदरवाइज़ आप कटोरी चम्मच में ऐसे खिलाओगे तो बच्चे फैलाते भी हैं, ज़िद भी करते हैं कि हम खाएंगे करके, तो वो सब चीज़ों से आप मुक्त हो जाते हो। और इसमें इस तरीके का एक कैप भी आता है कि अगर आप बच्चे को नहीं खा रहा है वो अभी, जैसे थोड़ा सा खाया और रखना चाहते हो, तो बस सिंपली ये ऐसे आपने इसमें घुमाया और ये बंद हो गया। तो बिल्कुल ईजी है इसको यूज़ करना, इसको होल्ड करना, इसका साइज़ वगैरह जो भी है एकदम अप्रोप्रिएट है। और आप सबसे अच्छा इसमें आपने कुछ फूड वगैरह भर लिया और आप ट्रैवल वगैरह में, कार वगैरह में जा रहे हो, ट्रिप्स वगैरह में जा रहे हो, तो आराम से इसमें भर दिया और बच्चे को दे दिया खाने के लिए, तो हर जगह कटोरी चम्मच की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी मेथड है, बच्चे आराम से खा भी लेगा, इसमें कैप भी है तो आप ढक करके रख भी सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा है। दूसरा, इसको आप सारे पार्ट्स जो है ना वो इसके अलग हो जाते हैं। ये देखिए, ये तो हो ही गया और साथ में यहाँ से भी ये इस तरीके से निकल जाता है ये। तो अगर आप इसको क्लीन वगैरह करना चाहते हैं, स्टेरलाइज करना चाहते हैं, तो वो भी आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। स्टेरलाइज़र में बस इसको रख दीजिए और बस आपका काम हो गया, आपका ये प्रोडक्ट जो है वो स्टेरलाइज हो गया, आसानी से ये क्लीन हो गया। क्योंकि क्लीन रखना, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हो तो उसको क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसको वापस इसमें लगा के आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये काफ़ी आसानी से अटैच हो गया इसमें और बस इसको यहाँ पर आपने इसके अंदर खाना डाला, यहाँ से इसको बंद कीजिए and that's it. So, है ना ईजी इसको यूज़ करना। और एक और प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूँगी, यहाँ पर मेजरमेंट्स बने हुए हैं 30 ml, 60 ml एंड 90 ml। तो 90 ml तक का फूड आप इसमें भर सकते हो। इससे आपको ये भी अंदाज़ा लगेगा कि बच्चे ने कितना खा लिया। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि अगर मेजरमेंट दिए रहते हैं तो आप बच्चों का कैल, क्योंकि बच्चे एक बार में तो पूरा खाते नहीं हैं, तो अगर वो थोड़ी देर आपने मान लीजिए उनको दे दिया है, बच्चे खुद से खा रहे हैं, तो आपको ये पता हुआ कि बच्चों ने कितना इसको कंज्यूम कर लिया है, तो वो भी ट्रैक करना काफ़ी आसान रहता है। और स्पेशली जब आप काम वाम करना चाहते हो और बच्चों को ये दे दीजिए तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इंगेज भी रहते हैं और थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहते हैं, तो उनको भी मज़ा आता रहता है और आप अपना आराम से काम कर सकते हो। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। मैं इस तरीके से करके आरव को दे देती थी और अपना किचन का जो भी मुझे कुकिंग वाला काम करना है, कुछ क्लीनिंग वाला काम करना है, तो वही इसमें खेलता रहता था
जो भी खाता था जितना भी, और इंगेज रहता था पूरा, और मैं अपना काम फटाफट से निपटा लेती थी। तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और ये लव लैब ब्रांड की तरफ से है, इसलिए ये आपको लव लैब की अपनी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, आपको अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगा। तो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इनकेस अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेकआउट ज़रूर कर लेना और एक बार ट्राई करना, अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने खुद भी इसको ट्राई किया हुआ है। सो यस, यही था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने अगर इसको यूज़ किया हुआ है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर आप लेने वाले हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए इसी तरीके के और वीडियोज़ देखने के लिए, और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।